सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। तालाब में डूबने से किशोर की मौत। माँ के साथ गया किशोर तालाब में खेलते खेलते डूब गया। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने किशोर को बाहर निकाला। परिजन किशोर को आन फान में कस्बे के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के खंडे गांव निवासी राजेंद्र कुमार तिवारी का 13 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम आज सुबह अपनी माँ के साथ तालाब गया था। तभी माँ कपड़े धोने लग गई और वह तालाब में खेलने लगा। तभी वहाँ खेलते खेलते तालाब में डूब गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से किशोर को तालाब से बाहर निकाला और परिजन उसे आन फान में कस्बे के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने किशोर को देखते ही मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने किशोर के शव को लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौन से गाँव के है? ये जो बच्चा खत्म हुआ है आपका, कौन है आपका? भांजा चचेरा। कैसे घटना हुई? तालाब। क्या करने गया था? माँ के साथ गया था, माँ कपड़े धुलने गई थी, उसके साथ गया था, पैर फिसल गया, माँ ने ध्यान नहीं दिया कपड़े धुलने को, उसमें गया। तो क्या वही मौके पर ही मौत हो गई थी? नहीं, रास्ते में। कैसे, क्या घटना हो गई है? ये अपनी माँ के साथ सवेरे 9 बजे के आसपास देवी जी का स्थान है, बड़ी भवानी माता का, वहाँ तलैया भी है, उसी में स्नान करने गया था। तैरना जानता नहीं है, कट्टी बांध के खेल रहा था, तैर रहा था। इसको जो है वहीं कट्टी अट्टी में पानी भर गया, चाहे जैसा हो, माँ समझ नहीं पाई है, ये डूब गया है। क्या नाम है इसका? इसका पुरुषोत्तम कुमार है, ये भांजा है मेरा। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 12-11.5 साल 12 साल के आसपास उम्र। पढ़ता था? पढ़ता था, कक्षा 7 में 8 में पढ़ता हो। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।